आम चुनाव से पहले एक तरफ बीजेपी गांव चलो और बीजेपी ज्वाइनिंग अभियान शुरू कर चुकी है और दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत का मध्य प्रदेश दौरा शुरू हो चुका है। इसको लेकर कांग्रेस सवाल उठाती रहती है, आज भी उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि संघ प्रमुख का दौरा बीजेपी को चुनाव में मदद पहुंचाने के लिए है, तो बीजेपी इसे गैर राजनीतिक दौरा करार दे रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का मध्य प्रदेश दौरा शुरू हो चुका है। मुरैना में प्रांतीय के लिए भागवत ग्वालियर पहुंचे और उनके पहुंचते ही प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। विपक्ष का सवाल है, चुनाव से पहले संघ प्रमुख एमपी का दौरा क्यों करते हैं? उनका दौरा सांस्कृतिक नहीं राजनीतिक है। चुनाव से पहले वो प्रदेश में आते हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हैं। लोकसभा चुनाव है तो एक बार फिर संघ प्रमुख एमपी दौरे पर आए हैं। अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पीछे करके आरएसएस ने लोकसभा चुनाव की बागडोर अपने हाथ में ले ली है और ये भी संभव हो सकता है कि मोदी की जी की जगह मोहन भागवत जी प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक हों। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल उठाया और बीजेपी की तरफ से एक बार फिर जवाब भी दिया गया है। जवाब वही पुराना है, संघ और संघ प्रमुख का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। संघ सांस्कृतिक संगठन है जो भारतीय मूल्यों का प्रचार प्रसार करता है और बेहतर जीवन जीने की सीख देता है। राजनीतिक गलियारे में चाहे जो भी चर्चा हो, लेकिन अपने कार्यक्रम के हिसाब से संघ ने मध्य प्रदेश को 8 भागों में बांटा है। राजगढ़, विदिशा, गुना, भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, शिवपुरी और मुरैना, जहां संघ का प्रांतीय सम्मेलन होने जा रहा है। अब संघ के सम्मेलन का लोकसभा चुनाव पर क्या असर होता है, ये जानने के लिए इंतजार करना होगा लोकसभा चुनाव तक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश। और इसी के साथ महासंग्राम 2024 के शो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।